ललित, अब तो स्पष्ट हो रहा है जनादेश, अब सारी कवायद होगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने आज सुबह ही दावा ठोक दिया था। बिल्कुल अंजना, खास तौर पर अगर हम हिमाचल की बात करें, यानी जो चार दशकों से चल रही परंपरा थी, उस परंपरा को एक बार फिर से हिमाचल के वोटर्स ने दोहराया है। खास तौर पर अगर हम हिमाचल की बात करें तो जो जादुई आंकड़ा है उसको कांग्रेस ने पार कर दिया है और 37 सीटों पर इस वक्त स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस जीती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पद की, तो सुबह ही जो प्रतिभा सिंह है, जो सांसद है मंडी से, उसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस की, उन्होंने क्लियरली एक हिंट दे दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है उसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी ही पार्टी हाईकमान ने उन्हें दी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना दाव है मुख्यमंत्री पद के लिए ठोक दिया। ललित, लेकिन ललित मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। ललित, ये बताइए कि कांग्रेस वहां पर जीती क्यों? क्या ये वीरभद्र सिंह के परिवार की लेगेसी है, उसकी वजह से जीती है? कांग्रेस पार्टी के संगठन की वजह से जीती है, या फिर गांधी परिवार में प्रियंका गांधी वाड्रा के वो जो एक दो बार वहां पर आई लास्ट में, उसकी वजह से जीती है? अब ये सब इस पर निर्भर करता है कि दिल्ली में बैठा जो कांग्रेस पार्टी का हाई कमांड है वो क्या सोचता है, और उसी के हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश में इनाम बांटेगा। देखिए सुधीर जी, अगर हम बात करें, खास तौर पर हिमाचल के चुनाव है, कांग्रेस ने बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी के साथ खेले हैं। खास तौर पर पूरा चुनाव है वो लोकल इश्यूज और हिमाचलित पर खेला गया, और खास तौर पर अगर हम लोकल इश्यूज की बात करें तो तीन मुद्दों के ऊपर ही कांग्रेस ने कलेक्टिवली फाइट किया, जिसमें पहला सबसे बड़ा मुद्दा था ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएफ। सबसे पहली गारंटी है जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दी कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी। मैं आ रही हूं ललित आपके पास, पूर्व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन पटेल जी, आपने इस बार साइडलाइन से कोशिश की थी अपनी टीम को जिताने की, आप चुनाव नहीं लड़े, पीछे से आप रहे। कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि क्या जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बहरहाल यही रुझान अगर वाकई नतीजों में तब्दील होते हैं, आप सब बधाई के हकदार हैं, मुबारकबाद आप सबको। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि इस 156 का श्रेय किसको देंगे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो गुजरात के मतदारों का है, और मतदारों को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और बीजेपी को वोट देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से गुजरात का दौरा किया, अनेक रैलियां की, अनेक रोड शो किए, और लगातार गुजरात की जनता से वो जिस प्रकार जुड़े रहे, जैसे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त जैसे जुड़े रहे थे, इस प्रकार इस वक्त भी बहुत उन्होंने परिश्रम किया, और हमारी गुजरात गवर्नमेंट की सरकार का काम, केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार का काम, और खास करके किसानों के लिए गुजरात में टिकट बटी और कोरोना के वक्त तो बीजेपी ने अपने बहुत सारे बदलाव किए, पुराने विधायकों को और जो वरिष्ठ मंत्री थे बहुत सारे उनको टिकट नहीं दिया। आपने भी, आप भी चुनावी मैदान से बाहर आ गए, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े स्तर पर बदलाव किए गए और आपने भी अपनी तरफ से उसमें एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि आप चुनाव नहीं लड़े, क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि गुजरात के लोगों ने एक चेंज देखा? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जितने भी विधानसभा के चुनाव जब जब गुजरात में हुए, हर बार गुजरात में बीजेपी की सीट लगातार बढ़ती जाती है, और इस वक्त तो जैसे मैंने पहले बताया, प्रधानमंत्री की जो लक्ष्य सबको दिया था जी, 2002 के बाद से तो लगातार बीजेपी की सीटें घटती लानी है। और नितिन जी, जो 2002 में भी जो आपकी 127 सीटें आई थी वो गोधरा के बाद आई थी। देखिए, आपको 2002 में ऐतिहासिक जीत मिली थी 127 सीट, और वो गोधरा की वजह से मिली थी। आप जानते हैं वो गोधरा के बाद जो चुनाव हुआ था, उसके बाद पहली बार आप उससे हमेशा नीचे नीचे ही रहे, अब इस बार आप 150 के पार जा रहे हैं। देखिए, गोधरा एक इंसिडेंट था, गोधरा की जो बात थी उस वक्त पूर्ण हो गई थी, उसके बाद भी हमने सभी चुनाव जीते हैं,
और जैसे जैसे हमारी सरकार का काम लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार नए युवा यंग लड़के हमारे बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, तो गुजरात में बीजेपी लगातार बढ़ती जाती है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन पटेल को आप सुन रहे थे।